जीत के बाद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विनोद चमोली, जो धर्मपुर सीट से चुनाव जीते हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और कितना सुखद महसूस कर रहे हैं लंबे सफर के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए, धर्मपुर की सीट अपने आप में एक अलग समीकरणों की सीट है, और जब से राज्य बना है तब से वो सीट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं आई है। आज वहाँ के कार्यकर्ताओं का प्रयास है, वहाँ की जनता का आशीर्वाद है, संगठन का विश्वास है कि आज हम उस सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी के लिए लाए हैं। और जो विश्वास लोगों ने वहाँ पर मुझ में दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी में दिखाया है, उनके विश्वास पर खरे उतरना ये हमारे लिए पहला काम होगा। तो मेयर रहते हुए आपके जो अनुभव रहे हैं, उसका कितना फायदा भी इस सरकार में आपको लगता है कि होगा? देखिए, निश्चित तौर पर मैं अपने सुझाव दूंगा सदन में, उन सब विषयों पर मैं अपनी बात रखूंगा कि जो शहर के लिए हितकर होंगे, पूरे उत्तराखंड के लिए हितकर होंगे। जो मेरे अनुभव अभी तक रहे हैं, उन अनुभवों के आधार पर मैं सदन में अपनी भूमिका निभाऊंगा, और बाकी तो पार्टी को तय करना है कि किस रूप में मेरा उपयोग आगे करना है। सर, बड़ी टफ सीट मानी जा रही थी आपके, लेकिन ये तो बहुत आसान जीत आपके लिए हो गई, शुरू सुबह से ही बहुत आसान जीत हो गई थी, किसको देते हैं इसका श्रेय? देखिए, वहाँ के कार्यकर्ता हूँ जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की है, वहाँ की जनता को जिसने शुरू से मेरी डिमांड की, उन्होंने मांग कर मुझे चुनाव लड़ाया वहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी ने जनता की आवाज़ पर मुझे वहाँ पर उतारा है। तो जनता को भी इसका श्रेय जाता है, मेरे कार्यकर्ताओं को भी इसका श्रेय जाता है, और मेरे संगठन को भी इसका श्रेय जाता है।